चलो भाई, ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਆ ਜਗਿੰਦਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ शिमला नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लंबे अंतराल के बाद विजय प्राप्त की है। पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 17 स्थानों के ऊपर रहे हैं, 34 टोटल सीटें हैं और कांग्रेस को मात्र 12 सीटें मिली हैं, 4 इंडिपेंडेंट है और एक कम्युनिस्ट पार्टी का प्रत्याशी जीत करके आया है। जो कांग्रेस पार्टी के पतन की शुरुआत हो गई है और हिमाचल प्रदेश में वैसे तो जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है तब से जो पूरी तरह से फेल और निकम्मी सरकार के रूप में जानी जा रही है, लेकिन एमपी के इलेक्शनों में कांग्रेस पार्टी की हार, 2 उपचुनाव विधायकों के हुए उसमें दोनों चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार और अभी शिमला कॉरपोरेशन के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार, ये दर्शाती है कि आने वाले विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी का हिमाचल प्रदेश में सुपड़ा साफ हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत लेकर के हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग इंडिपेंडेंट जीत करके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी उन कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए मान सम्मान देते हुए आगे बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी का मेयर डिप्टी मेयर शिमला में बनेगा।